हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम धरती को माता कहते हैं, अपने आप को धरती का पुत्र कहते हैं। घर में अपनी माता के स्वास्थ्य की जब चिंता हमें होती है, तो धरती माता के स्वास्थ्य की भी चिंता भारत के नागरिकों को करना होगी। और इसलिए हम लोगों ने जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाए, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, आज देश में परंपरागत कृषि योजना के माध्यम से जिन किसानों को सहायता मिली है, उन किसानों ने 38 लाख हेक्टेयर भूमि में जैविक खेती करना प्रारंभ किया है। आज कृषि उत्पादों का जो निर्यात हुआ है, उस निर्यात में लगभग 50% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का हिस्सा है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। लेकिन साथ ही साथ हम सब इस बात को भी जानते हैं कि देश बहुत बड़ा है, देश में साधन बढ़ रहे हैं, कृषि का रकबा बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग जैसे जैसे होगा, पानी का सदुपयोग जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे कृषि का रकबा और बढ़ेगा। आज 14 करोड़ परिवार किसानी में काम करते हैं, आधी से अधिक आबादी किसानी के क्षेत्र में काम करती है। तो निश्चित रूप से हम सबकी ये जिम्मेवारी है कि जब आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत चल पड़ाए, जब न्यू इंडिया के सृजन की ओर भारत चल पड़ाए, तो विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म की उपलब्धता हमारे पास होनी चाहिए। किसान को और वैज्ञानिक को तो प्रयोगधर्मी होना ही चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग किया, उसमें हमने सफलता अर्जित की। जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ गए, उसमें भी सफल हुए। अब प्रधानमंत्री का बल है कि हमको नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति खेती। आप सब ने देखा होगा, कुछ दिन पहले दिसंबर में गुजरात के आणंद में एक बड़ा किसान सम्मेलन हुआ, उसमें देश भर के किसान जुड़े थे, और उसमें प्रधानमंत्री जी ने नेचुरल फार्मिंग के मिशन की लॉन्चिंग की थी। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जब पहले प्रधानमंत्री जी ने इस विजन को रखा था, तभी परंपरागत कृषि योजना के अंतर्गत एक उप योजना बनाकर हम लोगों ने नेचुरल फार्मिंग पर काम किया। आज 4 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में नेचुरल फार्मिंग सफलतापूर्वक संपन्न हो रही है। उड़ीसा में भी लगभग 24,000 हेक्टेयर का रकबा जो है वो नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत है। आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, इन सब राज्यों में नेचुरल फार्मिंग के ओर लोग बढ़ रहे हैं, और इसका प्रतिफल आने वाले कल में आने वाला है। इससे कृषि किसान की लागत कम होगी, धरती की उर्वरा शक्ति को हम कायम रख सकेंगे, धरती की ताकत को बढ़ा सकेंगे। अच्छा उत्पादन जो स्वास्थ्यवर्धक होगा, उसको हम प्राप्त कर पाएंगे, और किसान को भी इस उत्पाद के अच्छे दाम मिल पाएंगे। इसलिए मैं इस अवसर पर उड़ीसा के किसानों को आग्रह करना चाहता हूं कि नेचुरल फार्मिंग की ओर आप सबको प्रवृत्त होना चाहिए। भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। मैं आप सबको इस मौके पर आश्वस्त करना चाहता हूं।